अस्सलाम वालेकुम लेसन नंबर ट्वेंटी सेवन है आई टी फोर थ्री जीरो का ई कैश पेमेंट सिस्टम जिसको पहले भी लेसन नंबर ट्वेंटी सिक्स में डिस्कस कर चुके हैं आप इसमें क्या होता है कि जो ई कैश सिस्टम है इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्लाइंट और बायर क्लाइंट या बायर जो है वो प्रॉपरली के वो डिस्क्लोज नहीं है अब इसमें क्या आ जाती है इसकी क्लाइंट की जो बायर है क्लाइंट है उसकी टू मेन स्टेडी आ जाती हैं पेमेंट मैकनी में मेंटिंग स्टेज एंड डिपॉजिट स्टेज अब मिंटिंग स्टेज में क्या होता है जब उसने कोइन को मिंट करना होता है द सीरियल नंबर इज साइन बाय द ई कैश बैंक टू प्रोवाइड थर्ड पार्ट ऑफ अ वैलिड ई कैश कोइन अब इसमें मिंटिंग स्टेज में क्या होता है कि जो सीरियल नंबर है उसको साइन करता है ई कैश बैंक टू प्रोवाइड करने के लिए थर्ड पार्ट ऑफ वैलिड ई कैश कोइन का जो ई कैश कोइन का थर्ड वैलिड पार्ट है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो ई कैश बैंक है वो साइन कर देता है किसको सीरियल नंबर को सीरियल नंबर किसका होता है कोइन का सीरियल नंबर ऑन द अदर हैंड द रिवर्स इज ट्रू एट द डिपॉजिट स्टेज अब डिपॉजिट स्टेज पे क्या होता है इसका रिवर्स हो जाता है नेक्स्ट अद रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द सीरियल नंबर इज ब्रोकन एट द मीटिंग एंड डिपॉजिट स्टेज अब यहाँ पर जो क्या है जो रिलेशनशिप है क्लाइंट और सीरियल की का सीरियल नंबर का वो ब्रोक हो जाता है मिनटिंग और डिपॉजिट स्टेज में अब यहाँ पे देखें मिनटिंग स्टेज में क्या होता है कि सीरियल नंबर अननोन होता है क्लाइंट को जानते हैं ऑपोजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट स्टेज में क्या होता है सीरियल नंबर का पता होता है लेकिन क्लाइंट का नहीं पता होता दोनों क्या है स्टेजेस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं विद कोइंग अब कॉइन को जो विदड्रॉ करवाना है मैनी कोइंस ऑफ डिफरेंट डोमिनेशंस कैन बी ऑबेंड इन अ सिंगल रिक्वेस्ट टू द बैंक दर और जो रिक्वेस्ट होगी उसको साइन कौन करेगा जब कॉइन की विदड्रॉ की रिक्वेस्ट होगी उसको साइन करेगा क्लाइंट अपनी प्राइवेट की के साथ और कंटेन और वो जो रिक्वेस्ट होगी वो कंटेन किस पे करेगी सीरियल नंबर्स की इंफॉर्मेशंस पर वो कंटेन करेगी जिसको साइन करेगा क्लाइंट अपनी प्राइवेट की के साथ और रिक्वेस्ट इंक्रिप्टिड हो जाएगी उसके बाद जब साइन कर दिया प्राइवेट की के साथ एक तो मैसेज क्या होगा रिक्वेस्ट इंक्रिप्ट होगी सैमेट्रिक की को यूज़ करते हुए और फिर वो सैमेट्रिक की जो है वो इंक्रिप्ट किसके साथ की जाएगी पब्लिक की ऑफ द बैंक अब इसी तरह जैसे स्टार्ट में ये लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री में स्टडी किया है कि एस ये पब्लिक और प्राइवेट की मैसेज जो सेंड हो रहा होता है रिसीवर और सेंडर के दरमियान सेम यहाँ पर वही चीज़ है अब क्लाइंट ने क्या किया अपने प्राइवेट के यूज की और मैसेज को इनक्रिप्ट किया की, की के थ्रू और इंक्रिप्ट उसमें कौन सी यूज की पब्लिक की बैंक के यूज़ की क्रिएट करने के लिए सिक्योर इन बल्ब द बैंक साइन सीरियल नंबर्स इन ऑर्डर टू मिन कॉइंस ऑफ द रिक्वेस्टेड डोमिनेशन एंड फॉरवर्ड टू द क्लाइंट बैंक क्या करेगा अपनी प्राइवेट ही को यूज़ करेगा उसके बाद वो साइन कर देगा सीरियल नंबर्स पे और फिर लास्ट में क्या होगा कि रिक्वेस्ट अगेन फॉरवर्ड कर दी जाएगी क्लाइंट और बायर को जिसने वही क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट की थी विदड्राइंग कोइंस की ई कैश परचेज हैविंग रिसीव एन ऑर्डर द मर्चेंट्स सेंड अ पेमेंट रिक्वेस्ट टू क्लाइंट अब ई कैश परचेज में क्या होती है कि रिसीव किया ऑर्डर मर्चेंट्स ने जो सेंड किसको जिसकी पेमेंट क्लाइंट को सेंड कर दी गई थी अब इसमें करेंसीज जा आ जाती हैं उसमें पेमेंट अमाउंट उसका टाइम स्पेंड मर्चेंट बैंक आई ये सारा को जो क्लाइंट ने मतलब कोई भी चीज़ परचेज की तो उसकी पेमेंट उसने करनी है साइबर वॉलेट क्या किया ऑटोमेटिकली असेंबल्स कर दिया करेक्ट पेमेंट्स अमाउंट को और उस दिन उसको पे कर दिया मेकिंग द पेमेंट कोइन यूज इन द पेमेंट आर इनक्रिप्टेड विद बैंक्स पब्लिक की ये पहले यहाँ पर स्टडी कर लिए बता दिया मैंने विद ड्राॅइंग कोइंस में कि जब पेमेंट की बारी आती है तो वो पब्लिक की जो मैसेज इनक्रिप्ट किया जाता है वो बैंक की पब्लिक की को यूज़ करते हुए किया जाता है प्रिवेंटिंग द मर्चेंट टू व्यू दैम और प्रिवेंट किया जाता है मर्चेंट को कि वो उनको देख ना सके उसकी को पेमेंट इन्फॉर्मेशन इज़ फॉरवर्ड टू बैंक विद इंक्रिप्टिड कोइंस ड्यूरिंग मर्चेंट डिपॉजिट्स पेमेंट का जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड कर देता है बैंक को हैश फंक्शन ओनली हैश ऑफ द ऑर्डर डिस्क्रिप्शन इज इंक्लूडेड इन पेमेंट इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिंग द बैंक फ्रॉम नोइंग द ऑर्डर डिटेल अब जो हैश फंक्शन है उसका हैश ऑर्डर ऑर्डर डिस्क्रिप्शन उसमें इंक्लूड होती है सीरियल के आगे जो हैश लिखा होता है नंबर्स उसके कुछ गिवन्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि वो बैंक को प्रिवेंट कर देते हैं कि ऑर्डर की इंफॉर्मेशन ऑर्डर की डिटेल वो नहीं देख सकता और बैंक की पब्लिक की के थ्रू क्या होता है मर्चेंट को प्रिवेंट कर दिया जाता है कि वो पेमेंट और वो सारा प्रोसेस वो पेमेंट नहीं देख सकता बैंक के थ्रू क्या होगा क्लाइंट से पेमेंट किसको चली जाएगी मर्चेंट को चली जाएगी प्रोवाइडिंग द पेमेंट जो पेयर कोड होता है वो सीक्रेट कोड होता है जो जनरेट करता है क्लाइंट उसके ऊपर हैश इंक्लूड की जाती है सीरियल हैश अ हैश ऑफ इट्स इंक्लूडेड इन द पेमेंट इंफॉर्मेशन सो दैट क्लाइंट कैन लेटर प्रूव द पेमेंट्स इफ़ नीड बी अब जब उसने हैश इंक्लूड कर दिया सिर्फ क्लाइंट उस चीज़ को जानता है जो बायर है वो पर्सन जानता है उस पेमेंट इंफॉर्मेशन को अगर बाद में फ्यूचर में उस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है प्रूव करने के लिए पेमेंट को कि काक्य में उसी ने की थी देन उसको पता होता है फॉर इंस्टेंट द क्लाइंट में चूज द वर्ड ब्लू स्काई एज अ कोड अब उसके लिए वो कोई ना कोई कोड यूज कर लेगा बाय बायेंगे हैश फंक्शन ऑन दिस कोड अ मैसेज डाइजेस्ट इज ऑपटेन अब अब क्या किया एक कोड वर्ड उसने चूज कर लिया जो बायर है क्लाइंट है उसने ब्लू स्काई एक कोड यूज़ एक कोड सेलेक्ट किया उस कोड पर उसने क्या किया हैश फंक्शन अप्लाई कर दिया कि हैश फंक्शन किस लिए अप्लाई करते थे कि मैसेज डाइजेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैसेज डाइजेस्ट ऑपरेन हो जाए जो हर एक मैसेज का क्या होता है यूनिक होता है फिर क्या होगा हैश फंक्शन और मैसेज डाइजेस्ट किसको सेंड कर दिए जाएंगे क्लाइंट को सॉरी बैंक को सेंड कर दिए जाएंगे यूज़ करते हुए बैंक की पब्लिक की यहाँ पर अगेन वही चीज़ मैसेज डाइजेस्ट की वाली यूज़ की गई है नेक्स्ट है पेमेंट डिपॉजिट पेमेंट कैसे डिपॉजिट की गई है अब डिपॉजिट रिक्वेस्ट इंक्रिप्टिड विद बैंक पब्लिक की अब इसमें क्या डिपॉजिट रिक्वेस्ट जो इंक्रिप्ट, इंक्रिप्ट की गई थी वो बैंक पब्लिक की के लिए यूज़ की गई थी अब जो बैंक की प्राइवेट की होगी वो जस्ट बैंक को पता होगी इसी तरह क्लाइंट की प्राइवेट की क्लाइंट को पता होगी दोनों ट्रांजेक्शन करने के लिए एक दूसरे की पब्लिक की को यूज़ करेंगे ई कैश बैंक मेंटेन डाटा बेस ऑफ स्पेंड को इन वन रिसिप्ट इट चेक वेदर द कोइन इज़ वैलिड एंड वेदर इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंड और नॉट अब पेमेंट डिपॉजिट के टाइम पे क्या होगा कि जो ई कैश बैंक है उसने मेंटेन की हुई है डाटा बेस जो स्पेंड कोइंस हैं उसकी उन्हें डाटा बेस मेंटेन की हुई है अब जब रिसिप्ट आएंगे उसके पास वो चेक करेगा कि कॉइन वैलिड है या नहीं है कि क्या इनको पहले से स्पेंड किया गया है या नहीं किया गया क्या इसी कोई डबल स्पेंडिंग तो नहीं हो रही है ये सारा कुछ डाटा बेस में चेक होंगे इफ़ द कोइन आर वैलिड द बैंक क्रेडिट्स द मर्चेंट्स अकाउंट अगर तो कोइंस वैलिड हैं पहले से स्पेंड नहीं किए गए पहले से यूटिलाइज नहीं हुए वो कोइंस का सीरियल नंबर देन क्या होंगे वो मर्चेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा बैंक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट है लॉस कोइन केस नेटवर्क फेल नेटवर्क फेल्स और कंप्यूटर क्रैश ड्यूरिंग पेमेंट ट्रांजेक्शन कोइन माइट बी लॉस अब कोइन कैसे लॉस होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही है उसमें आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो कोइंस क्या होंगे चांसेस होंगे कोइन लॉस हो जाए आल साइंड ब्रांडेड ब्रांडेड कोइंस फ्रॉम द लास्ट सिक्सटीन विदड्रॉल्स आर सेंड बाय द क्लाइंट बैंक टू द क्लाइंट अब जो लास्ट विदड्रॉल्स कोइंस होंगे वो क्या करेगा क्लाइंट को सेंड किए जाएंगे किसके थ्रू बैंक के बैंक क्लाइंट को वो सेंड करेगा क्लाइंट करेगा यूज़ अपने बाइंडिंग फैक्टर्स को यूज़ करेगा और रिवील करेगा अपने सीरियल नंबर्स को सीरियल जो हैश नंबर्स होंगे उनको उसके बाद वो सेंड करेगा वापस मैच करने के बाद चेकआउट करने के बाद अगेन सारी डिटेल्स होगी सीरियल नंबर्स होंगे वेरीफाई के बाद बैंक को सेंड कर देगा कि ये कोइंस मतलब ऑलरेडी स्पेंड हो गए थे या नहीं हुए थे उसमें उनकी वो डिटेल गिवन होगी आफ्टर चेकिंग डाटा बेस्ड टू बैंक क्रेडिट द क्लाइंट्स अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ अनस्पेंड कॉइन्स चेक करने के बाद बैंक क्या करेगा क्लाइंट्स की क्लाइंट्स के अकाउंट में वो जो कोई अनस्पेंड कोइंस होंगे उनको वो क्रेडिट कर देगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये एक तो थेरी आप बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं ये आप एक दफ़ा जब कुछ स्टडी करेंगे ना और समझेंगे तो आपको हर चीज़ ये क्लियर हो जाएगी पेपर में ये एज़ इट इज़ ये चीज़ें नहीं आती हैं लेकिन एम में ये पूछ ली जाती हैं यहाँ पर अगेन इसी डायग्राम के दिए जा रहे हैं कि वेब ब्राउजर से जो सिलेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट किया गया उसके बाद मर्चेंट वॉलेट स्टार्ट हुआ करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट रिक्वेस्ट गई फोर्थ पे क्या है पेमेंट कोइन्स ऑर्डर आया उसके बाद वापस आया मर्चेंट सॉफ्टवेयर पे नेक्स्ट वो डिपॉज़िट किया गया उसको डिपॉजिट कोइन के के ई कैश बैंक के थ्रू ई कैश बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया और मर्चेंट को बताया कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है मर्चेंट ने अगेन क्या किया मर्चेंट सॉफ्टवेयर से क्लाइंट वॉलेट की तरफ रिसिप्ट ये रिसिप्ट है रिसिप्ट रिसिप्टई उसके बाद वो क्या करेगा मर्चेंट सर्व सॉफ्टवेयर जो है वो सेंड करेगा वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड गुड्स के ऑलरेडी सेंड हो गया अब वेब सर्वर क्या करेगा वेब ब्राउजर को बताएगा कि गुड एक्नोलिज का मतलब ये एक प्रॉपर एक सीकुंस डायग्राम बन रही है जो कंप्यूटर साइंस के आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा जो बाकी अदर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक दफ़ा जब ख़ुद स्टडी करेंगे समझेंगे थेरी के साथ तो उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कौन सा वर्क परफॉर्म किया जा रहा है नेक्स्ट है लेसन नंबर ट्वेंटी एट सिक्योर सॉकेट लेयर एस एस एल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से इसमें से लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगी लेसन नंबर ट्वेंटी अगेन मैं बता दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है